आज की वीडियो शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नामों से। आज का अल्लाह ताला का नाम हम सूरह इखलास में पढ़ते हैं, कुल वल्लाहु अहद। अहद अल्लाह ताला का नाम है, अल्लाह ताला की सिफत है, और अहद अल्लाह के सिवा और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह का अहद का मतलब सिर्फ एक होना ही नहीं है, बल्कि एक यूनिक होना, यानी अल्लाह जो है वो यूनिक है, अहद है, यूनिक है, उस जैसा और कोई नहीं है, कोई नहीं हो सकता। लिहाजा अहद अल्लाह के लिए ही इस्तेमाल होता है। और बाज़ अवक़ात लोग नाम रख लेते हैं अब्दुल अहद। अब अब्दुल अहद का मतलब है कि अहद का बंदा, लिहाजा उस शख्स को अब्दुल अहद के नाम से ही पुकारना चाहिए। लेकिन होता यह है कि वो छोटा होते होते लोग जो हैं वो अहद पे आ जाते हैं, लोग एक दूसरे को जिसका नाम अब्दुल अहद है उसको अहद पुकारने लगते हैं, जो कि शिर्क के ज़िम्रे में आता है। सो यू बी वेरी केयरफुल, अगर किसी का नाम अब्दुल अहद है, अब्दुल समद है, अब्दुल कुछ भी है इस तरह अबद के साथ, तो वो अबद का मतलब बंदा है, तो जो भी उसके साथ सिर्फ लग रही है वो अल्लाह के लिए इस्तेमाल हो रही है। लिहाजा इसके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। चलें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दूध शरीफ भेजते हैं और फिर अपना काम शुरू करते हैं आज का। अस्सलामु अलैकुम, डेकोर स्टूडियो से गज़ल मलिक आपसे आपके साथ हैं, और आज की ट्यूटोरियल में आपको एक नई चीज़ सिखाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। तो जनाब, आज की वीडियो में हम एक रोज़ का बॉल बनाने जा रहे हैं, और ये जो रोज़ बॉल है ये मैंने एक स्पेशल बनाने की कोशिश की है। एक आपको चीज़ बताने की कोशिश की है कि फ़्रेश फ्लावर्स हैं, और शायद आप लेकर आएँ अपने किसी वैसे ओकेजन के लिए, फ़्रेश फ्लावर लाएँ और फिर वो थोड़े से मुरझाने लग जाएँ तो आप उनको सेव कर सकते हैं, यानी स्प्रे कर लें उनको। जैसे ये देखिए, मैंने आपको दिखाने के लिए, ये मैंने इस फूल के ऊपर गोल्डन स्प्रे किया है। लग रहा है गोल्डन आपको? ये देखिए, गोल्डन स्प्रे किया है इसको। तो पत्तों पे भी मैंने इसी तरह गोल्डन स्प्रे कर लिया है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा गोल्ड नहीं किया, थोड़ा थोड़ा ग्रीन भी छोड़ दिया है। तो अब हम फूलों रोजेस से और इनसे एक रोज़ बॉल बनाएंगे फ्लोरल फोम में। और अब ये है कि इस फ्लोरल फोम को हमने, फ्लोरल फोम का तीसरा हिस्सा और उस तीसरे हिस्से का आधा हिस्सा इस्तेमाल किया, यानी मैं आपको दिखा दूँ, ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे ये तीन दो निशान आप देख रहे हैं, इसमें से हमने, ये तीसरा हिस्सा है, इस तीसरे हिस्से को हमने काटा है और उसका ये आधा हिस्सा है। इसको हम पहले, हमें रोज बॉल के लिए एक गोल ऑयसिस की बहुत सख्त ज़रूरत होती है, और वो मिलता है बाज़ार में, लेकिन वो ज़रा एक्सपेंसिव होता है। अगर आप लेने जाएँ, मुख्तलिफ साइज़ में दस्तियाब है, जो होल सेल की ऑयसिस की दुकानें हैं वहाँ पर आपको ये मिल सकता है राउंड शेप में, लेकिन महंगा पड़ता है, इसलिए फ्लोरिस्ट जो हैं अगर उनको ना इतना वो हो तो वो इसी से काम चला लेते हैं। ये देखिए, मैं इसके कॉर्नर्स ट्रिम कर रही हूँ, ये मैंने एक साइड से ट्रिम किया, अब मैं दूसरी साइड से ट्रिम कर रही हूँ। इसको राउंड मैं खुद ही करने लगी हूँ, और ये अभी राउंड नहीं हुआ, लिहाजा थोड़ा सा और ट्रिम करूँगी। इधर से मुझे कम लग रहा है, ऐसे ट्रिम करते करते इसको कुछ तो बचेगा ही ना ट्रिम करने से सर्कल में कोशिश करके इसको हम करेंगे, और आप देखें कि छोटा सा एक बॉल बनेगा, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं हम बना रहे, सिर्फ एक प्रैक्टिस है कि ये देखें, एक मैंने थोड़ा सा ट्रिम किया है, थोड़ी सी इसकी राउंड शेप आ गई है, ये देखिए, पूरा राउंड नहीं है लेकिन फिर भी जब हम इस पर फूल लगाएंगे ये खुद ही राउंड हो जाएगा। अच्छा, अब ये है कि हम, ये बन तो जाएगा, फिर इसको रखने का प्रॉब्लम है कि यूं नहीं हम रख सकते, फ्लावर्स होंगे, तो इसके लिए हम एक बनाते हैं हैंडल, एक हुक बनाते हैं स्कॉच टेप से, हम इस ऑयसिस के ऊपर स्कॉच टेप लगाते हैं। गीला है, चिपकती नहीं है, लेकिन हम
ऐसे बस लगा लेते हैं इसको, क्योंकि हमारा मकसद है इसमें एक गुंजाइश पैदा करना कि हमारे पास कोई ऐसा हैंडल हो। तो हमारे पास यहाँ पर वायर, इस वायर को एक बारीक सी वायर है, कॉपर वायर है ये। इस कॉपर वायर को मैं, मजबूत होती है काफ़ी, ऐसे सिंगल भी चल जाएगी, लिहाजा इसको, वो जो मैंने टेप लगाई है उस टेप के ऊपर मैं इसको लगाऊंगी, क्योंकि अगर मैं टेप के साथ नहीं, टेप के ऊपर नहीं लगाऊंगी तो वो फोम को काट देगी। लिहाजा इस टेप के ऊपर मैं इसको लगा रही हूँ, इसे लगा के ये मैं इसको गिरा लगा रही हूँ यहाँ पे। डबल करना भूल गए, इसको डबल करेंगे हम पहले, ताकि वो इसका एक जो रिंग सा है वो बन सके। मैंने इसको उसी टेप के, अब ये देखें ये इसको हैंग करने के लिए बन जाएगा। तो यहाँ से हम इसको गिरा लगा के इसको फिक्स कर देते हैं। ये देखें, इसको मैं कहीं भी हैंग कर सकती। अब इस पे लगाते हैं फ्लावर्स। फ्लावर्स मैंने आपको बताया कि ये मैंने किए हैं, और इसमें कई आपके बासी फूल हों वो ऐसे हो जाते हैं, वो आप यूज़ ना करें क्योंकि वो लटकते ही रहेंगे, लिहाजा इसका हमें ज़रूरत नहीं है। जिनके हेड स्ट्रांग होते हैं सिर्फ वही हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम अपने फ्लावर्स को काट लेते हैं उसी साइज़ का जो साइज़ मैंने एक वो रखा है, ज़्यादा बड़े नहीं हमें चाहिए। ये इसका अपना ओरिजिनल पत्ता है, तो ये मुझे, इसको भी मैंने स्प्रे किया, इसको अलग से मैं काट लेती हूँ। ये हो गया, ये काफी बड़ा लग रहा है, इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, कहीं से भी लगाना शुरू कर दें, लेकिन सबसे पहले ऊपर से शुरू कर लेते हैं। ये देखें, इसको मैंने लगाया, ये भी काफी लंबा है, इसको भी मैं छोटा कर लेती हूँ। और ये डिस्कार्टेड फ्लावर्स हैं जिनको मैंने किया है, इस्तेमाल किया है। ये देखिए, ये किया, इनको आप जितना स्टेम रखेंगे उतना ही वो बड़ा बनेगा। यानी अगर मैंने इतना रखा है तो आप ये देखें कि अगर मैं एक इधर लगाऊंगी उसी के हिसाब से, तो ये देखें कितना बड़ा बॉल बन जाएगा। जितना आप छोटा रखेंगे उतना छोटा बनेगा, रेडियस उसका छोटा होगा। अब ये इसका रेडियस जो है वो बड़ा है कि मैंने फूल जो है वो बड़ा लगाया। मैं तो सोच रही हूँ छोटा ही कर लेती हूँ। ये देखिए, ये एक उसका स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। ये दूसरी साइड है, सिमेट्रिकल लगाना है। जैसे आपने इधर लगा एक साइड पे लगाएंगे उसी तरह दूसरी साइड पे लगाएंगे, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि ये गोल कैसे होगा, राउंड कैसे होगा, खुद ब खुद होता चला जाएगा। आप देखें, ये देखें, अब मुझे इसको हाथ में पकड़ना पड़ेगा दूसरी साइड के लिए, क्योंकि ये इसी तरह सेंटर में लगा। और ये इस साइड पे लगा। अब चूंकि रोजेस मेरे पास
कलर सिल्वर गोल्डन स्प्रे किए हुए इतने ही हैं, तो मैं और नहीं लगा रही। मैं अब इसके साथ पत्ते लगाना शुरू कर देती हूँ। पत्ते मैंने काट के रखे हुए हैं छोटे, और उनको मैंने गोल्डन स्प्रे कर लिया है। आपके सामने इसलिए नहीं कर रही कि स्प्रे का गंद बहुत मचता है, मैसी हो जाता है, तो मैं बाहर ही घर से बाहर इसको लॉन में जाके करके तो मैंने तैयार कर लिए ताकि आपको दिखा सकूँ। बस अब आप इसमें सिंपली ये फिल करते जाएं, बस इसके लिए कोई आपको वो नहीं चाहिए। ओह, मेरा एक रोज़ ये पड़ा हुआ था जो मेरे यहाँ काम आएगा। ये देखें बैलेंस हो गया, यही मैं कह रही थी मेरा एक रोज़ नहीं मिल रहा। तो हमने ये वो रोज़ेस के भी वो पत्ते हैं गोल्डन जो मैंने किए हैं। बाज़ औक़ात कोई थीम होती है तो बंदा जो है वो कहता है कि चलो कोई एनिवर्सरी है, गोल्डन एनिवर्सरी है, तो गोल्डन जुबली है तो उसके लिए गोल्डन फ्लावर्स बनाते हैं, सिल्वर जुबली है तो सिल्वर बना लेते हैं। इस तरह वो बनते हैं कि हम उनको स्प्रे करते हैं। ये स्प्रे जो है वो मिल जाता है पेंट की दुकानों से, बुकशॉप से भी मिल जाता है, पेंट की दुकानों से भी मिल जाता है। अगर पेंट की दुकानों से लेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। ये देखें जनाब, और चूँकि ये काफ़ी ज़्यादा इसमें पानी है ऑयसिस में, तो मैं लगाती जा रही हूँ और पानी नीचे से उसका जो है वो ट्रिप कर रहा है। मेरा हाथ सारा गीला हो रहा है, बट इट डजंट मैटर। जब आप काम करते हैं फिर ये सब कुछ तो होता है। अगर आप ज़्यादा नफासत पसंद हैं तो फिर आप ये काम नहीं कर सकते, फिर आप अपने लिए कोई और काम सोचो। एनी हाउ, ये देखें जनाब, इसको भी जब मैं हैंग करने वाला मेरा किधर गया, मेरा धागा कटर तार किधर चली गई, मैंने हाथ में नहीं पकड़ा ना तो वो बीच में रह गई है। ये देखें कैसा है। अभी मैं इसमें मजीद और लगाऊंगी। इसका एक ये भी है कि हाथ में पकड़ने की बजाय आप किसी जगह पे हैंग कर दें और फिर आप इसमें अपने फ्लावर्स अपने लगा सकते हैं, लेकिन पहले इसको वायर को बाहर निकालना ज़रूरी है वरना बाद में आपको मिलेगी नहीं, जैसे अभी मुझे नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर मिल गई। और हमने ये इस साइड पर भी पत्ते लगा दिए जो कि पहले से हमने किए हुए थे। मैं आपको एक पत्तों की टिप बताऊंगी एंड में, सो स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और देखते रहिए एंड तक वीडियो, ताकि आपको टिप भी पता चल जाए। ठीक है जी, ये हमने लगा दिए पत्ते और अब देखें इसको कि ये आपको कैसा लग रहा है। खाली खाली आपको फील हो रहा है? खाली खाली इसलिए फील हो रहा है क्योंकि मैं अभी इसके अंदर एक और चीज़ लगाने लगी हूँ, उसको कहते हैं जिप्सोफीलिया, जो हमारे फिलर के तौर पे काम की। सारा गोल्डन है तो जब आप उस पर कोई बीच में डालते हैं, डिफरेंट कलर डालते हैं या डिफरेंट देते हैं शेड, तो आपके जो डार्क कलर हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, सामने आ जाते हैं। पानी काफ़ी ज़्यादा इसकी गिरा है इसलिए मैं टिश्यू लगा रही हूँ। ये है जिप्सोफीलिया, इसको भी मैं छोटा छोटा काट लेती हूँ, मैंने काटा नहीं हुआ। इसको काट के इसको मैं बीच बीच में जो जो खाली सा फील हो रहा है वहाँ सारा लगा दूंगी, तो आप देखिएगा कि ये कितना खूबसूरत रोज बॉल बन जाएगा। बॉल तो बन ही गया है, और रोजेस के अलावा आप कोई और फूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं बॉल बनाने के लिए, जिसमें हमारा क्रिसेंथेमम है। क्रिसेंथेमम जो है गुले दाऊदी, आजकल मौसम है गुले दाऊदी का, तो लोगों ने घरों में भी लगाए होंगे, तो अगर आप उनको कट करके बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। और एक और फूल आता है हमारे पास, ड्राई सा होता है वो, और वो भी जो है उसका भी बन सकता है, उसका नाम नहीं आ रहा जेन में मुझे, बहरहाल मैं वो फिर आपको अगली वीडियो में उसके बारे में भी बताऊंगी। लेकिन बहरहाल ये देखिए हमारा रोज बॉल जिसमें मैंने जिप्सोफीलिया भी लगा दिया है, और अभी थोड़ा सा और लगाऊंगी क्योंकि आपकी साइड पर नज़र आ रहा है, मेरी साइड पर नहीं है। अब ये घूम गया है इधर, मैं अपनी साइड पे भी इसको लगा दूँगी। आप सिर्फ रोजेस का भी बॉल बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने पत्ते लगाने हैं और आपने
जिप्सोफीलिया लगानी है, आप सिर्फ और सिर्फ रोजेस लगाएं। और अगर आप रेड रोजेस का बनाना चाहें तो बहुत ही खूबसूरत बॉल लगता है। आप विजिट करें मेरी वेबसाइट पे, फेसबुक पेज पे, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉल उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और उसमें आप जाएं मेरी वेबसाइट पे, आपको जो मेन उसका पिक्चर रहा है वो उसी की है, रोजेस का ही काम किया हुआ है। वो हमने एक इवेंट किया था उसमें हमने सिर्फ रोजेस यूज़ किए थे और अपने लोकल रोजेस हैं वो। और आप देखिए तो किस कदर खूबसूरत बॉल्स बनाए थे हमने और बहुत खूबसूरत अरेंजमेंट बनी हुई है, वो आप देखेंगे तो आपको खूब अंदाज़ा होगा कि सिर्फ और सिर्फ रोजेस के बॉल कैसे होते हैं। तो लिंक मैंने दे दिया है, आप उस पर चले जाएँ। फेसबुक का पेज है facebook.com/blossomshed। तो ब्लॉसम शेड जो है वो हमारा कंपनी का नाम है। और ये देखिए, ये हमारा रोज बॉल तैयार हो गया। अब मैंने आपसे एक टिप की बात की थी कि मैं आपको एक टिप दूंगी एंड ऑफ द वीडियो, वो टिप है रिगार्डिंग द फॉलिएज। पत्ते, जब हम पत्ते काटते हैं तो आप ये देखें इसके फ्रंट पे ये पत्ते हैं कैसे ड्रॉप हुए हैं। तो जब आप पत्ते कटिंग करते हैं, आपके पास पत्ते आते हैं, उनको भी फूलों की तरह कट करें ऐसे ही, और पानी में डालें। थोड़ी देर तक ये पानी में रहेंगे, आधा घंटा घंटा, तो ये पानी एब्जॉर्ब करके फ्रेश हो जाएंगे। टिप नंबर टू कि आप ये देखें इसकी फ्रंट पे जो पत्ते हैं वो बहुत ही ढीले से हैं, ये हैं फ्रेश पत्ते, ताज़े पत्ते, ये नहीं सही होंगे, ये ऐसे ही रहेंगे, लिहाजा इनको हम ट्रिम कर देंगे। जब उनको हम ट्रिम कर देंगे तो हमारे पास बाकी स्ट्रॉन्ग पत्ते रहेंगे। इस वाली टहनी पे भी देखें, ये वाले जो दो पत्ते हैं ये बिल्कुल फ्रेश बेबी पत्ते हैं, इनको हमने निकाल दिया, तो ये हमारा सही वाला पत्ता टहनी है। अब इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी जगह पे, किसी भी फूल की अरेंजमेंट में। तो ये थी आज की हमारी खास टिप। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, कोई और फूलों की अरेंजमेंट बनाएंगे, जो उम्मीद है आज भी आपको पसंद आई होगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ पूछना हो तो पूछिए, आपके हर सवाल का जवाब हम देंगे। और हमारे वेबसाइट पे भी ज़रूर विजिट कीजिए।